आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आइए चलकर जानें क्या यह सही टाइम है ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड को बाय करने का। अगर है तो किस लेवल पर करना चाहिए, इस कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन क्या है और हमें आगे का आउटलुक क्या लग रहा है, इस सब का विश्लेषण इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफाइट इंडिया से। अगर हम ग्राफाइट इंडिया की बात करें तो ग्राफाइट इंडिया मार्केट में आज बंद होते होते करीब 4.7% चढ़कर बंद हुआ है, 188 पर क्लोज हुआ है आज मार्केट में। ये वॉल्यूम शॉकर है, एनएससी पर करीब 14 लाख का स्टॉक ट्रेड हुआ है, तो काफी अच्छा साइन है उसके रेफरेंस में अगर देखा जाए तो। यही अगर 3 दिन की एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम देखा जाए तो 43% डिलीवरी वॉल्यूम है। ये बहुत अच्छी बात है कि डिलीवरी के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। वहीं पर अगर 52 वीक रेंज देखे जाए तो 103 रुपए से लेकर 384 रुपए तक का है, तो अभी भी थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ है। इसमें देखिए अभी हार लोअर एंड पर ही बना है, कोविड का लो जो बना है उसके बाद से अभी ये बाहर नहीं निकल पाया अच्छी तरह से। हम चार्ट पर देखेंगे आगे क्या चार्ट्स बोल रहे हैं, पर एक पैरामीटर आपको देखने का है ये। अब अगर इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए ग्राफाइट इंडिया की, तो इसकी मार्केट कैप जो है 3600 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड देते हैं 100%, पर फेस वैल्यू कम होने की वजह से डिविडेंड यील्ड जो है सिर्फ 1% रह जाती है, तो डिविडेंड की दृष्टि से अच्छा नहीं है। पर अगर आप ग्रोथ की दृष्टि से देख रहे हैं तो आई थिंक यू हैव हिट ऑन अ जेम। हम बताएंगे क्यों, आगे चल के बात करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाके देखें क्या क्या करते हैं ये, तो इनको 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ग्रेफाइट एंड कार्बन इंडस्ट्री के रेफरेंस में, तो काफी इनोवेटिव काम करते हैं। इनके पास में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, इनके पास में ये लोग इनोवेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपने टीम स्प्रिट बहुत अच्छे से रखते हैं, और इनके पास में बाहर की कंपनी के साथ में जर्मनी जैसे हो गया उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पर, तो अच्छा है। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स, अगर आपको सिंपल एक सेंटेंस में बोला जाए इनकी स्पेशलिटी, सबसे बड़ा भारत का इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर है। 25 अवार्ड इसकी किटी में है, 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और इसने 98,000 टन पर एनम इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी अपनी बनाई हुई है, तो समझ रहे हैं इसकी कितनी बड़ी कैपेसिटी है। मिस्टर के बंगूर इनके चेयरमैन है, और ये प्रोडक्ट में मल्टीपल सेगमेंटेड प्रोडक्ट हैं। सबसे तो मेन जो है उनको ग्राफाइट रोड्स हैं, उसके अलावा इक्विपमेंट्स हैं ग्राफाइट के, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सब तरह इनोवेट किया हुआ है और उसके बाद में उसको कमर्शियल यूज के लिए प्रोडक्शन किया हुआ है। तो इसमें इनकी काफी अच्छी वैल्यू लग रही है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले वैल्यूएशन अच्छी है, प्राइस अच्छा है और चार्ट्स भी अच्छे बोल रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं इसके चार्ट्स के पर क्या कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें इसका चार्ट का, स्टॉक करीब अक्टूबर 2018 में ये 1000 रुपए का हुआ करता था स्टॉक, और गिरते गिरते जब ये नीचे गिरा तो इसकी वैल्यू करीब यहाँ पर जब लो बना है इसका कोविड का, तो वो 130 के आसपास आ गई थी, तो काफी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है इस स्टॉक की। पर उसने फिर अच्छा रिकवरी दिखाया, उसके बाद में ये करीब करीब 250 तक गया, पर फिर एक छोटा सा उसने उसको रेजिस्टेंस लिया वहां पर जो अपर सर्किट का लेवल था और अपर रेंज थी जो डाउनवर्ड चैनल की, और उसके बाद उसने फिर यहां से थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम स्पेंड किया है, तो ये बहुत अच्छा व्यू बन रहा है इसका। यहां से यहां तक जो इसने ये कंसोलिडेशन टाइम जोन किया है वीकली चार्ट पर, बहुत अच्छा व्यू बनेगा इसका। आगे हम इसको जरा डेली चार्ट पर देखते हैं क्या व्यू बन रहा है यहां पर इसका। तो ये देखिए जो हमने आपको बात बताई थी कि जो वो कंसोलिडेशन जोन कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनेगा इस स्टॉक के आगे चलकर। तो अगर हम इसको एक बार आपको बॉक्स बना के दिखाते हैं रेक्टेंगल, ताकि आपको समझ में आए हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ज़ीरोधा का टूल बॉक्स है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़ीरोधा में अकाउंट खोल सकते हैं, काफी सारे टूल फ्री मिलते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक बता दीजिए, लिंक का रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम लिंक भेज देंगे आपके पास में अगर जरूरत है तो आपको। तो देखिए यहां से हमने इसका बॉक्स देखा, ये एक कंसोलिडेशन जोन है इसका, ये देखिए। अब इसने करीब करीब 3 महीने इस कंसोलिडेशन जोन में टाइम स्पेंड किया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है स्टॉक के लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, कि अगर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो कंसोलिडेशन जोन के आखिर में आकर और वो
अपर हिस्से में जाए तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देगा। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये जो पिछले 7-8 दिनों में से वॉल्यूम की इंक्रीमेंट हो रही है इस रीजन में जहां हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा व्यू बन रहा है इसका, जिसके थ्रू वॉल्यूम भी बढ़ रहा है नीचे से। यहाँ पर देखिए डिमांड आ रही है नीचे के रेंज से और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है ये, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है टेक्निकल टर्म्स में पॉजिटिव ब्रेकआउट देने के लिए इस रेंज का। तो रेंज जब एक बार 225 टूटेगी तो बहुत तेजी से भागे चलेगा आगे ये। अब हम इसमें एक और चीज व्यू दिखाएंगे आपको जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा, उससे पहले चलकर देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा कारोबार किया। तो निफ्टी आज हमारे मौके के हिसाब से काम किया है, हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है निफ्टी के लिए आज मॉर्निंग में, और उसके बाद में हमने एक और पोजीशन ऐड की थी दोपहर को 12 बजे के आसपास। अब वहां से फिर दोपहर के बाद 1 बजे के बाद तो इसने एकदम शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिखाई है और हमारे को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर या ऑप्शन की इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप हमसे मदद ले सकते हैं, ये पेड सर्विस है। जून के महीने में हमने सर्विस को फ्री रखा था, वीडियो अपलोड किए थे मॉर्निंग में और शाम को रिजल्ट दिखाया था, सारे के सारे सक्सेसफुल वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। और कभी कभी पीरियोडिकली हम अपने रिजल्ट्स भी यहाँ पर पब्लिश करते हैं इस चैनल पर, ज्यादातर पर अब हम स्टॉक बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट हम लोग स्टॉक का एनालिसिस ही पब्लिश करते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन अ ईमेल, और इसके साथ में हम लोग एक टेक्निकल वर्कशॉप भी अरेंज करेंगे मंथ एंड पर, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो बता दीजिएगा। दोनों चीज के लिए आपको पैकेज दोनों का एक साथ भी मिल सकता है, आपको अलग चाहिए अलग भी मिल जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्ट bhavnadheer7@gmail.com और अपना इंटरेस्ट बता दीजिए, आप किस में है, पेड सर्विस में इंटरेस्टेड है या टेक्निकल वर्कशॉप में या दोनों में, तो हम आपको पैकेज डिटेल उसके बाद में भेज सकते हैं। अब चलकर हम जरा एक और पैरामीटर पे इसका एनालिसिस करते हैं। आपने फिबोनाची आर्च का नाम सुना ही होगा शायद, बहुत अच्छा टूल है, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसा हमने बताया हम ज़ीरोधा का टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा, और रिकॉर्डिंग के लिए एक स्पेशल टूल है जो आपको ये व्यू दिखाने के लिए अच्छा लगता है, उसके रेफरेंस में हम वहाँ पे यूज करते हैं इसको। तो अब देखिए अगर हम ये यहाँ से इसको डाउनवर्ड चैनल का बॉटम पर बनाए, ये देखिए अब इसका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस शुरू में होगा वो अभी उसी लेवल के आसपास आ गया है, यहाँ पर 189-188 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि इसने काफी टाइम से यहाँ पे इसके आसपास स्पेंड किया है। तो अब ये आराम से दिख रहा है कि इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने के लिए तैयार है, चार्ट्स क्लियरली बोल रहे हैं इस बात को। चाहे ये 2 दिन में जाए, चाहे ये आज कल ही चला जाए, वो अलग बात है, चाहे 5 दिन ले, पर ये अब तैयार है तो ब्रेकआउट के लिए। दूसरा माइनर रेजिस्टेंस जो होगा वो 217 का होगा, एक्सक्यूज मी। इसके बाद में जो मेजर रेजिस्टेंस नेक्स्ट आएगा वो रहेगा 243 का। एक बार इसने 243 किया तो उसके बाद तो फिर ये अपना जो लाइफ टाइम हाई है 325 का उसकी तरफ अग्रिम होगा। तो काफी अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल ब्रेकआउट के आसपास है, बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ से तो 180 के आसपास, 188 के आसपास, तो बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाएगा आगे टर्म के लिए इसके सामने। तो ये अच्छा डिसीजन रहेगा अगर आप इसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। हम बताएंगे किस लेवल पर आपको इन्वेस्ट करना है। अब हम कुछ स्टडीज ऐड करेंगे इसमें जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको पता लगेगा कि आपको करना कैसे होता है स्टडीज के बेसिस पर। तो सुपर ट्रेंड हमारा एक बहुत फेवरेट इंडिकेटर है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, इंट्राडे में भी बहुत इफेक्टिव रहता है। तो देखिये सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ये एक डाउनवर्ड पाथ बता रहा था कि अभी नीचे जाएगा, पर पिछले 7 दिनों से इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आउट किया है, जो हमने बताया था वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ से अब इसका अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रहेगा एज लॉन्ग एज इट मेंटेन 165-167 का लेवल, जो कि आज की बार को देखकर तो क्लियर है कि ये इसको मेंटेन करेगा ही करेगा। इसका हम विश्लेषण जरा डिटेल में करेंगे अभी आज का जो एक्टिविटी हुई है और टेक्निकली क्यों ऐसा हुआ है वो भी हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यहाँ पर आपको लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो भी मिलेंगे, हमने एक वीडियो अपलोड किया है 7 mistakes टू अवॉइड इन मार्केट। अगर आप मार्केट में नए हैं तो हमारी प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को जरूर देखिए, ये वीडियो आपको जरूर डेफिनेटली हेल्प करेगा एटलीस्ट एक मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपके ट्रेडिंग कैरियर में, और आपको काफी पैसा बन सकता है इससे। यहाँ पर आपको न्यूज बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और जो डील्स हो रही हैं उन सब का डिटेल आपको यहाँ पर पीरियोडिकली हम अपडेट करते हैं। अगर आपको एजुकेशन वीडियो चाहिए तो हम वो भी बनाते हैं यहाँ पर, आप प्लीज बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक द वीडियो फॉर यू। अब अगर हम आगे बात करें 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो आज की एक्टिविटी क्या हुई है इसका अब हम जरा निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ पर चलकर। तो अगर 15 मिनट की एक्टिविटी देखें
तो 15 मिनट में देखिए आपको कहानी सब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेकआउट होते के साथ ही देखिए कितने लोग उसमें टूट पड़ते हैं। यहां से इसने वो जो टेक्निकल ब्रेकआउट के आसपास आया 186 के आसपास निकलते के साथ ही देखिए कुछ टाइम और कंसोलिडेशन किया आधा एक घंटे के आसपास, फिर अगली बार एक और लंबी बार बनाई। तो ये एक टेक्निकल पॉजिटिव टेक्निकल ब्रेकआउट दिया इसने, और उसके बाद में ये फिर थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके आगे चला गया अपने स्टॉक को। तो ये एक अच्छा व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है जिसको आप आगे देख सकते हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पैटर्न कंटिन्यू करेगा और आपको काफी फायदा मिल सकता है इस स्टॉक में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर टेक्निकल वर्कशॉप, क्योंकि थोड़ा शायद आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिएगा इनिशियली अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टॉक मार्केट में। तो अगर एलिगेटर देखें, एलिगेटर भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको हम फॉलो करते हैं, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। देखिए 3 बार है, अगर ग्रीन बार ऊपर है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपने यहाँ पे बाय किया फॉर एग्जांपल ग्रीन बार निकलते के साथ ही, तो 184 पे आपने बाय किया इंट्राडे में और आपको आराम से 188 के लेवल मिल गए हैं। ये तो इंट्राडे में ही आपको करीब करीब 2.5% 3% का रिटर्न मिल गया है एक स्टॉक में। बट एज आई सेड, इंट्राडे ट्रेडिंग इज वेरी रिस्की बिकॉज इट इज अ मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग, यू मे लूज योर एंटायर मनी ऑल्सो, सो बी केयरफुल व्हेन यू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। लर्न करना है तो जैसा हमने बताया वो 7 मिस्टेक, आप उसको पढ़िए, आपको जरूर कुछ ना कुछ उसमें वीडियो को देखिए उसको, आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प होने को मिलेगी इसमें। अब हम आके बात करेंगे हम क्या करें अब, क्योंकि मान लिया आपने स्टॉक अच्छा देखा, फंडामेंटल आपको टेक्निकल चार्ट पे अच्छा लग रहा है, पर हम करें क्या, हम कितने पे खरीदना चाहिए हमको ये चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आपने स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होती है और आपको लॉन्ग टर्म के पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है उसके हिसाब से आपको खरीदना है। सारी क्वांटिटी आप एक साथ मत खरीदेगा। आई ऑलवेज टेल प्लीज बाय इन 3 equal quantities एट 3 different prices। सो वी विल बाय लाइक दिस। तो देखिए जो आपका सबसे पहला क्वांटिटी है आपको वो करीब करीब 184 के आसपास आपको खरीदना है। यहाँ पर 184 इज योर फर्स्ट लेवल टू बाय। सेकेंड क्वांटिटी विच यू आर गोना बाय इज अराउंड 173 एंड लास्ट क्वांटिटी विच यू मे गेट और मे नॉट गेट इज अराउंड 162 लेवल। सो दीज आर द 3 levels विच आई एम रिकमेंडिंग यू टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म, एंड फॉर मी द लॉन्ग टर्म इज मिनिमम 3 years। अगर आप 3 महीने 3 साल का पेशेंस रख सकते हैं तो इस स्टॉक को आपको खरीदने के लिए इस 3 रेंज में जरूरत है, और आपका टारगेट 3 महीने के बाद इसमें 500 रुपए का हमारा टेक्निकल चार्ट्स पर बता रहे हैं। तो ड्यू टू वेरियस स्टडीज एंड पैरामीटर दीज आर द 3 key levels वेर अवर रिसर्च टीम हैज रिकमेंडेड टू बाय 184, 173, 162। प्लीज बाय एट 3 different levels इफ यू गेट द प्राइसेस देयर, बट मेक श्योर यू हैव फंड्स अवेलेबल। और उसके बाद में टारगेट इज फॉर 3-year duration इज 500 rupees। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपके पास ये स्टॉक है, हो सकता है आपके पास हायर लेवल पे है तो हम आपको कस्टमाइज एडवाइस कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, कितने पे खरीदा है आपने और कितना आपका टाइम फ्रेम है, ताकि हम आपको कस्टमाइज एडवाइस कर सकें। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू इन एनी वे एंड शेप टू फॉर यू टू लर्न। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब जरा हम कुछ और पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं, इसकी सेल्स देखते हैं कैसी सेल्स हो रही है फंडामेंटल बेसिस पर। तो अगर सेल्स देखें तो 409 करोड़ का सेल्स हुआ है जून में, जहां पर मार्च में सेल्स था उसका 602 करोड़ का। तो सेल्स तो घटी है 200 करोड़ के आसपास की। अब देखते हैं इनका एक्सपेंडिचर क्या हुआ है। एक्सपेंडिचर घटा है पर उतना नहीं घटा है, 550 करोड़ का एक्सपेंडिचर है कंपेयर टू 640 करोड़ के। तो जहां 4 करोड़ का नुकसान था वहां पर इसको 76 करोड़ का नुकसान है अभी इस क्वार्टर में, पर ये उम्मीद के अनुसार है क्योंकि पता है सारी की सारी सेल्स बंद हो गई हैं जून के क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर भी थोड़ा ढीला रहेगा, उसके बाद फिर आगे की कहानी अच्छी बनेगी इसमें। अब अगर प्रमोटर स्टेक देखें तो 65% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, FII की होल्डिंग करीब 8% है, DII की होल्डिंग घट गई है 16% से 9%। वहीं हमारे अदर्स आप और हम जैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें 15% के आसपास। तो ये अच्छा इंडिकेटर है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल इन कमेंट विद इन 24 आवर्स। मेल सिर्फ और सिर्फ आप वर्कशॉप या फिर पेड सर्विस के लिए यूज कीजिए, उस पर कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन मत पूछिएगा दोस्तों।
अगर आपको टारगेट हमने बता दिया 500 रुपये का 3 साल के लिए, दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, टीम को मेहनत लगती है रिसर्च करके, ये हमारे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी इसको वीडियो बनाने के लिए, हमने उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आप सीख रहे हैं और आपको पैसा बनाने का भी मौका मिल रहा है। अगर कोई भी आपका सजेशन है हमारे लिए तो सराखों पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए अपना सजेशन। जय हिंद।